भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुनो देश, हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सुनो देश, हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय और कलम 37 से 39 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 37 से 39। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। इस सुसमाचार में मसीह का एक पहचान, यीशु मसीह के बारे में एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर बपतिस्मादाता यूहन्ना लोगों को कर रहे हैं कि यीशु कौन है, एक परिचय यहाँ पर सबको दे रहे हैं। और हम उसके कलम 29 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को वो परमेश्वर का मेमना तरीके, जो सारी जगत के भार को उठा लेता है, वो मेमना तरीके उसको बताते हैं। और उस प्रकार यीशु को परिचय कराकर हम देख सकते हैं यीशु का आगमन उस जगह पर जहाँ पर बपतिस्मादाता यूहन्ना थे, वहाँ पर यीशु स्वयं आते हैं। और वहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना से वो बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कलम हमने पढ़ा, ये यूहन्ना के कुछ चेले थे, अपने ही कुछ चेले थे जो यूहन्ना के साथ उसके सेवकाई में थे। उनके चेलों में से दो चेले अब यीशु के पीछे पीछे जाने लगे। मैं इस बात पर कुछ समय मनन किया और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 37वें कलम में इस प्रकार लिखा है, वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। क्या सुना उन्होंने? उन्होंने ये सुना, कलम 36 में लिखा है, उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है। पुराने नियम में ये मेमना जो शब्द है वो केवल बलियों में उपयोग किया जाता था। एक बलि के लिए, बलिदान के लिए, याग अर्पण करने के लिए एक मेमने का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर परमेश्वर का मेमना करके एक परिचय मसीह को दे रहे हैं, यानी परमेश्वर ने भेजा हुआ अपना एक मेमना। अब इसके बारे में बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी इच्छा से ये दोनों चेले हो सकते हैं यीशु के पीछे हो लिए। दूसरे सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनको बुलाया, उसमें जिसमें से एक था अंद्रयास, ये दो चेलों में से एक अंद्रयास था। और हम दूसरे सुसमाचार में इस अंद्रयास को यीशु मसीह बुलाते हुए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये घटना इसके पहले हुआ या इसके बाद में हुआ हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर जानते हैं कि उनके दिल में बड़ी जिज्ञासा थी कि
कि ये यीशु के बारे में थोड़ा और पहचान हो जाए, ये यीशु को और अधिक जान लें। तो इसके लिए वो यीशु से कहते हैं, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए और यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? प्रियो, वो हमारी हर प्रकार की चाल को समझता है, आपके मन की इच्छा को वो बहुत अच्छी तरह समझता है और वो पूछ रहे हैं, आप क्या खोज रहे हो? तो बड़े भोलापन से उन्होंने ये जवाब दिया कि हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उनकी बस यही इच्छा थी ये जान ले कि ये कहाँ रहता है। यूहन्ना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप को उठा लेता है। ये परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर का पुत्र, ये रहता कहाँ है? क्या ये प्रतिदिन स्वर्ग से उतर के आ रहा है? नहीं तो ये मनुष्य का पुत्र है तो कहाँ रहता है? ये जरूर कहीं रहता होगा। इसके और अधिक जानने के लिए, इस मसीह को पहचानने के लिए वो चाहते थे। और तब हम देखते हैं उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तुम चलो और देख लो, तुम खुद ही देख लो। और हम पढ़ते हैं कि वो उनके साथ उस दिन रहे। वो कितना धन्य इनको एक अवस्था मिला है यहाँ पर। प्रियो, एक ऐसी आशीष इनको ये मिला है कि वो मसीह के साथ एक दिन पूरा रहा और उसका नतीजा क्या निकला, आज सुबह के समय हमें वो देखना जरूरी है। वो उनके साथ रहा और उतना ही नहीं, और हम कलम 41 पढ़ेंगे। 41 में क्या लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। उनका नजरिया बदल गया प्रियो, उनका मसीह के बारे में जो सोच था वो बदल गया। हम पहले पढ़ते हैं वो मसीह को रब्बी करके बुला रहे हैं कि गुरु करके बुला रहे हैं, उसको एक रब्बी तरीके देख रहे हैं। केवल एक रब्बी है, केवल एक गुरु है, केवल एक शिक्षक है, एक सिखाने वाला है, ये उनका मन में था। लेकिन जब वो मसीह के साथ कुछ समय बिताए, उसका जीवन शैली को देखा, उसके रहने के स्थान को देखा, उसकी वो नम्रता को देखा, उसकी वो दीनता को देखा, और साथ में उसके परमेश्वर की जो स्वभाव को भी देखा, तब वो पहचान लिए कि ये केवल एक रबी नहीं है, ये केवल एक गुरु नहीं है, ये जरूर स्वर्ग से उतर कर आए हमारे मसीह है, ये यीशु है, ये मसीहा है, ये जगत का उद्धारक है। जो यूहन्ना ने कहा वो सही है। यीशु के साथ कुछ वक्त उन्होंने बिताया, उनको ये पहचान हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो आज मुझे सुन रहे हैं, हम यीशु के साथ जब कुछ वक्त गुजारेंगे, जब उसको पहचानने की कोशिश में हम हैं, तो ज़रूर हम इस नज़र से उसको हम पहचान सकते हैं कि वो केवल रब्बी नहीं है, वो केवल एक महान गुरु नहीं है, वो केवल एक धर्म का शुरू करने वाला कोई नेता नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है, यही वो मेमना है। उन्होंने उस मेमने के स्वरूप में उसको देखा, उस स्वभाव में उसको देखा, अपने आप को अर्पण करते हुए स्वभाव को उन्होंने वहां पर समझ लिया। इसलिए अब इन चेले जब दूसरों को इस मसीह का परिचय करा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मसीहा है, हमने इस मसीहा को देखा। प्रियो, आज हम उसके साथ कुछ समय बिताएं, ये एक इच्छा हमारे मन में हो कि हम उस मसीह को कैसा पहचान रहे हैं, क्या सही अंदाज से हम उसको पहचान रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो हमारे नजरिए को भी बदल देता है, हमारे स्वभाव को भी बदल देता है। 42वें कलम में पत्रस का नाम उसने बदल दिया, और इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं वो पूरा परिवर्तन कर दिया। नथानियल ने जो इसको जिस नज़र से देखा था उसको भी बदल डाला। वो हमें बदलने वाले परमेश्वर हैं,
वो हमें बदल देता है। प्रियो, क्या आप उसकी खोज में हो? क्या आप सच्चे परमेश्वर की खोज में हो? क्या आप मसीह को केवल एक गुरु तरीके देख रहे हो? नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का मेमना है। आकर उसके साथ कुछ समय बिताएं, उसको हम पहचान लें। भजन संहिता 34वें भजन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, चख कर देखो यहोवा कितना भला है, मसीह कितना भला है हमारे लिए। उसने हमारे लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान किया, मेमना बनकर एक बलिदान हमारे लिए हुआ। उस महान परमेश्वर को हम चख लें, उसके साथ हम कुछ समय बिताएं, तो हम और अधिक उसके विषय में हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके नाम की महिमा।